नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो आज का मोमेंट कैसा रहा, वो सारी चीज़ें मैंने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक 5 मिनट की वीडियो में ये बताऊँगा कि कल का मार्केट का व्यू कैसा रहेगा, कैसा हो सकता है ओपनिंग, कैसा हो सकता है हमारा मार्केट की चाल। मार्केट इन द सेंस मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ और उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जब भी कभी आप लोगों को ये पता करना हो कि मार्केट का नेक्स्ट डे का मूवमेंट क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, उस बैंक निफ्टी के जो चार्ट होता है उसको हम डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद ये हमको सारी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अब ये मार्केट अभी इस कंडीशन में खड़ा हुआ है कि देखिए आप, ये आज की जो कैंडल बनी है, एक तो बोलते बोलते पूरा गलत हो गया। देखिए मार्केट आज यहाँ पे ओपन होता है और वन वे इसने 625 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। यहाँ पे 625 पॉइंट बहुत होता है बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है पर डे 300 से 400, या कभी कभी 500 साढ़े 500 करता है, 400 से 550, लेकिन आज उसने 625 पॉइंट का मूवमेंट किया है आपसे डाउन साइड का, ठीक है। तो अब अभी आप देखो, वो तो मूवमेंट तो छोड़ दो, आप ये देखो कि यहाँ पे जो सेटअप बन रहा था कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर टाइप में से कुछ कैंडल बनी थी और ये हमारे प्रीवियस लो के ऊपर ये कैंडल बनी हुई थी, प्रीवियस लो के ऊपर ये कैंडल बनी, तो हमें लगा कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा और इस कैंडल ने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर साइड का व्यू भी दिया। लेकिन नेक्स्ट डे 2 दिनों से आप देखोगे कि 2 दिनों से मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, मतलब ओपनिंग इस लेवल पे तो हो रही है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे साइड आ रहा है। अब आप अगर गौर से देखोगे तो ये जो लेवल है हमारा, ये वाला, इस लेवल को एक हिसाब से हम ये कह सकते कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब ये जो हमारा लेवल है 655 या 635 वाला जो लेवल है इसको, एक्चुअली ये 637 का है, 44,637 का लेवल है ये, तो इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज इसको थोड़ा सा ये बिक ऊपर गई थी इसकी, लेकिन वो ज़्यादा वहाँ पे टिक नहीं पाया, तुरंत ही नीचे आ गया और क्लोजिंग इसने दे दी हमारे 200 के लेवल पे। तो अब 200 लेवल, 200 का जो लेवल है, 2222 का जो हमारा लेवल है, 44,222 का जो हमारा लेवल है, वो बहुत ही स्ट्रांग अभी तक, जैसे यहाँ पे भी इसने क्या किया था और यहाँ प्रीवियस डेज में भी आप देखोगे तो इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है। अब अगर मार्केट कल कहीं इसी लेवल पे ओपन हो जाता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारा 44,000 बनेगा, डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। अगर इसी लेवल पे ओपन होके थोड़ा ये नीचे की तरफ आता है, कंसोलिडेट करता है नीचे की तरफ, इन द सेंस कि हमारा 44,000 44,000 177, नहीं आप 88 कर लो इसको, 188 के लेवल को इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारा, पहले फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे छोटा रखेंगे, 44,000 44,100, ये 44,111 का रख लो आप, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारे लिए नीचे साइड का डायरेक्टली, फिर अगर यहाँ से गिरा तो फिर यहाँ पे 44,021 का रहेगा, 021 का रहेगा। ये हमारे 2-3 टारगेट निकल के आएंगे। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट लेवल है वो है 43,000। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें बिना देखे कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब रट्टा हो गया मुझे, है ना। 43,950 का जो लेवल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहीं से मार्केट ऊपर साइड गया था, ठीक है। तो क्योंकि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आप कर्सल रख के देखो, ये वाला जो 948 है यहाँ पे, एक्चुअली तो मैं 950 लिख रहा हूँ, थोड़ा 2-4 10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, तो ये जो लेवल है हमारा ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, कल के लिए बता रहा हूँ। और अगर वन वे निकाल दिया तो फिर तो ये बैंक निफ्टी है, किसी भी साइड जा सकते हैं। जैसे पहले आज स्टार्टिंग में मूवमेंट कर रहा था अप साइड का, लेकिन डाउन साइड का जब किया तो एक तरफा इसने बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर दिया, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने भी इतना ज़्यादा, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था लेकिन यहाँ तक का किया, इतना ज़्यादा मैंने भी नहीं किया था, ठीक है। तो ये हो गया डाउन साइड का। अभी मेरा अप साइड जाने का कोई मूड नहीं है, अप साइड का मेरा कोई वो नहीं है। हाँ, अगर इंट्रा डे की बात करें तो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ और कल का व्यू बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखो, ये सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है और मार्केट ने इसी लेवल पे लगभग लगभग सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे ओपन होके और यहाँ थोड़ा सा नीचे कंसोल्ट,
नीचे आएगा तो फिर ये हमारा ये लेवल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है ये 44,000 का है, ठीक है, 44,000 का है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप देखो फिर ये लाइन आपको यहाँ पे कहाँ पे लेके जा रही है, 938, मतलब ये 950 जो मैंने बोला ना, ये देखो आप एग्जैक्टली 954 का, यहाँ पे 947 का लेवल आ रहा है। ये जो सपोर्ट, अगर हम यहाँ पे नीचे सपोर्ट, लक्ष्य दूर जाओ, यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन में ये इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो लेवल क्या आ रहा है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँगा, ये 44 या 47 है, 49 यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने जो लेवल दिया 43,950 का, तो इस लेवल तक के लिए मैं नीचे साइड के लिए तैयार हूँ। अब इससे भी बड़ा मूवमेंट दे दे तो फिर वो बैंक निफ्टी है, ठीक है। और अप साइड के लिए मुझे कोई मेरा व्यू नहीं है, क्योंकि आप अगर अप साइड के लिए जाके देखोगे तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है इसके लिए ऊपर ही 44,000, ये 44,000, और ये हमारा 300 के आसपास, ये अरे बहुत ज़्यादा सॉरी, ये देखिए ये जो हमारा, ये अब हमारा क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। मतलब 333, 44,000, 44,333, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, इसी लेवल पे सेम टू सेम इसी लेवल पे ओपन होता है तो की बात कर रहा हूँ, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे कि क्या कंडीशन बना रहा है। क्योंकि ऊपर जाओगे तो ऊपर ये रेजिस्टेंस बना पड़ा है, पहला तो रेजिस्टेंस यही हो जाएगा आपके लिए, फिर 500 का लेवल आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि 1,000 का लेवल और 500 का लेवल जो होता है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो आगे आप ऊपर जाओगे तो ये 500 के लेवल पे आपको अब ये रेजिस्टेंस का, तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो मेरा तो ऊपर साइड का व्यू नहीं है, हाँ डाउन साइड का ही है। अब ऊपर साइड मूवमेंट दे देता है तो फिर हम एक चीज़ और फॉलो करेंगे कल के लेवल के लिए, जो हमारी वो स्ट्रेटजी है ओपन हाई लो वाली, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब वो सुबह जब गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा तो हमारे ग्रुप में मैं उसको भी अपडेट कर देता हूँ, उसमें बता दूंगा कि क्या लेवल बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गए कल के लेवल्स। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी लोग सीखना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बनाता हूँ, किसी को मैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए सजेशन नहीं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।